हेलो, मेरा नाम है केतन और आप देख रहे हैं ऑल्ट न्यूज। और हम आपके लिए लाए हैं बीते हफ्ते के फैक्ट चेक्स, यानी हमारे किए गए पिछले हफ्ते के कुछ जरूरी फैक्ट चेक्स जिनकी जानकारी होना आपके लिए बेहद जरूरी है। शुरुआत करते हैं पहली गलत खबर से और जो जुड़ी है भारतीय नौसेना से। भारत में हर साल भारतीय नौसेना की उपलब्धियों को सेलिब्रेट करने के लिए 4 दिसंबर का दिन नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। बीजेपी तमिलनाडु ने इस मौके पर एक जहाज की एक तस्वीर ट्वीट की और साथ में बधाई संदेश भी था। इसी जहाज की तस्वीर के साथ बधाई संदेश देने वालों में भाजपा एमपी विजय बघेल भी थे। इनके सिवा अन्य भाजपा सदस्य कृष्ण गौर और सुनील देशमुख ने भी ये तस्वीर शेयर की। भाजपा युवा मोर्चा मध्य प्रदेश के अध्यक्ष अभिलाष पांडे ने भी ये तस्वीर शेयर की और साथ में बधाई दी। अकाली दल के प्रवक्ता मजिंदर सिरसा और टीआरएस विधायक देवी रेड्डी सुधीर रेड्डी ने भी ये तस्वीर ट्वीट की। और हुआ ये कि इतने सारे लोगों ने आंख मूंदकर जिस जहाज की तस्वीर को ट्वीट किया वो एक अमेरिकी जहाज है, वो अमेरिकी नौसेना का जहाज है। ये फ्रीडम क्लास लिटरल कॉम्बैट शिप है। 2010 में स्टार्स एंड स्ट्राइप्स के एक आर्टिकल में ये बात मिली थी कि वहां के रक्षा सचिव रॉबर्ट गेट्स ने ऐसे 55 लिटरल कॉम्बैट जहाजों को अपने बेड़े में शामिल करने की बात कही थी। आपको ये भी बता दें कि इस तस्वीर की कहानी काफी पुरानी है। 2019 में भी कांग्रेस ने इस तस्वीर के साथ भारतीय नौसेना दिवस की बधाई दी थी। इसके अलावा किरण बेदी, जो कि पुदुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं, उन्होंने भी 2019 में यही तस्वीर ट्वीट की थी। और आगे चलते हैं अपने अगले फैक्ट चेक की तरफ, जिसमें तीन किरदार हैं, शहला राशिद, जेएनयू और इंडिया टुडे। इंडिया टुडे ने 1 दिसंबर को अपने एक ब्रॉडकास्ट में शहला राशिद के बारे में बात की। मगर अचानक से शहला राशिद की बात क्यों हुई? वो इसलिए क्योंकि 30 नवंबर को एक खत सामने आया जो कि शहला के पिता अब्दुल राशिद ने लिखा था जम्मू कश्मीर के डीजीपी को। इसमें उन्होंने अपनी बेटी शहला के खिलाफ आरोप लगाते हुए कहा था कि शहला ने 3 करोड़ रुपए लेकर जम्मू कश्मीर पीपल्स मूवमेंट पार्टी ज्वाइन की है। ये वही पार्टी है जो कि शाह फैजल ने शुरू की थी। शाह फैजल वही आईएएस ऑफिसर हैं जो कि अपने इस्तीफे के बाद खबरों में आए थे, वही इस्तीफा जो अभी भी मंजूर नहीं हुआ है। खैर, मुद्दा यह है कि शहला के पिता ने आरोप लगाए और इसी पर एक शो के दौरान इंडिया टुडे ने बता दिया कि शहला राशिद को 2016 के जेएनयू के फेमस सेडिशन यानी देशद्रोह वाले केस में गिरफ्तार किया गया था, जबकि सच यह है कि शहला राशिद को इस केस में कभी भी गिरफ्तार ही नहीं किया गया। इनफैक्ट शहला अपने जीवन में कभी भी गिरफ्तार नहीं हुई हैं। इस बात की तस्दीक खुद शहला और उनके वकील सलीम जावेद ने ऑल्ट न्यूज से बात करके की। हाँ, शहला हिरासत में जरूर ली गई हैं, लेकिन इतने बड़े मीडिया हाउस से ये अपेक्षा रखी जाती है कि वो गिरफ्तार किए जाने और हिरासत में लिए जाने के बीच अंतर को जरूर समझता होगा। अगर आप ये अंतर समझना चाहते हैं और इस फैक्ट से जुड़ी शहला के पिता के लिखे खत के बारे में और जानकारियां तफसील से पाना चाहते हैं तो जाएं हमारी वेबसाइट www.altnews.in/hindi पर। अगला फैक्ट चेक है किसान प्रदर्शनों से जुड़ा हुआ, जहां लगातार इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के लिए उन्हें आतंकवादी या खालिस्तानी कहा जा रहा है। एक तस्वीर खूब शेयर की जा रही है जिसमें कुछ सिख लोग खड़े हुए हैं और उनके हाथ में जो प्लेकार्ड्स हैं उन पर खालिस्तान के समर्थन में बातें लिखी हुई हैं। इन तस्वीरों के जरिए अनेकानेक लोग ये दावे कर रहे हैं कि किसान प्रदर्शन में खालिस्तान का समर्थन करने वाले लोग शामिल हैं। इससे इस प्रदर्शन को बदनाम करने की भरपूर कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन सच ये है कि ये तस्वीर 6 जून 2013 की है, यानी 7 साल पुरानी। 6 जून यानी ऑपरेशन ब्लू स्टार की बरसी। इसी दिन जर्नैल सिंह भिंडरावाले मारा गया था और स्वर्ण मंदिर को कट्टरपंथियों के चंगुल से छुड़वाया गया था। 2013 में यानी उस मौके की 29वीं बरसी पर भिंडरावाले और खालिस्तान के सपोर्टर्स स्वर्ण मंदिर में होने वाली प्रार्थनाओं के बाद इस तरह के मैसेजेस वाली तख्तियां लेकर खड़े थे। ये उसी मौके की तस्वीर थी। अगला फैक्ट चेक भी किसानों के इसी प्रदर्शन से जुड़ा हुआ है और इसके जरिए भी इस प्रदर्शन को बदनाम करने की कोशिश की गई। नए फार्म बिल्स के विरोध में शुरू हुए इन प्रदर्शनों के बाद जब मामला दिल्ली तक पहुंचा और राजधानी के बॉर्डर्स पर मामला थोड़ा टेंस होता हुआ दिखा, सरकार के पक्ष में खड़े लोगों ने हर वो कोशिश की जिससे इस प्रदर्शन की क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाया जा सके। इसी क्रम में एक तस्वीर शेयर की गई। इसमें दिख रहा था कि एक व्यक्ति वेशभूषा से सरदार नजर आता है, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा था उसकी मूंछों को, वो मूंछें जो गायब दिख रही थी। इसी के दम पर इस ओर इशारा किया जा रहा था कि एक मुसलमान पगड़ी बांधकर किसानों के बीच खड़ा है। इसकी असलियत यह है कि वायरल हो रही तस्वीर एडिट की हुई है। हिंदुस्तान लाइफ फरहान याहिया नाम के एक फेसबुक पेज से 29 नवंबर 2020 को एक फेसबुक लाइव किया गया था। इस फेसबुक लाइव में कई बार इस बुजुर्ग व्यक्ति को देखा जा सकता है जिसकी तस्वीर वायरल हुई है। इसमें साफ तौर पर उनकी मूछें दिख रही हैं, यानी इस वीडियो के स्क्रीनशॉट को
एडिट करके, उनकी मूछें गायब करके इस प्रोटेस्ट को बदनाम करने के मकसद से उन्हें मुसलमान बनाने की कोशिश की जा रही है। इस पूरे मसले में तो यही नहीं समझ में आता है कि आखिर किसी मुसलमान शख्स के इस प्रदर्शन में शामिल होने से किस आधार पर इस प्रदर्शन को गलत साबित किया जा सकता है। क्या ऐसा दावा करने वालों को यह लगता है कि एक मुसलमान किसान नहीं हो सकता? यह सवाल ऐसी अफवाहें उड़ाने वालों को खुद से पूछना चाहिए। हम बढ़ेंगे अगले फैक्ट चेक की तरफ, जो कि फिर से इसी प्रदर्शन से जुड़ा है। यहां हम आपको एक बार फिर यह याद दिला दें कि ये सारे फैक्ट चेक्स बेहद सरसरी तौर पर आपके सामने रखे जा रहे हैं। इनके बारे में डिटेल में जानने के लिए या फिर और भी बहुत सारे फैक्ट चेक्स पढ़ने के लिए आप जाएं हमारी वेबसाइट altnews.in/hindi पर। अगर आप अंग्रेजी में पढ़ना चाहते हैं तो altnews.in ही काफी रहेगा। अगला फैक्ट चेक एक बार फिर किसानों के प्रदर्शन से जुड़ा है। अब तक आपको समझ में आ गया होगा कि इस प्रदर्शन के बारे में कितनी गलत सलत बातें फैलाई जा रही हैं। इस बार मामला है एक बुजुर्ग किसान से जुड़ा हुआ। कई फेसबुक और ट्विटर यूजर्स एक साथ दो तस्वीरें शेयर कर रहे हैं, जिसमें एक सिख व्यक्ति मिलिट्री पोशाक में बैठा हुआ है और एक बुजुर्ग व्यक्ति आंख के पास लगी चोट के साथ नजर आ रहा है। सोशल मीडिया पर दावा किया गया कि ये दोनों व्यक्ति एक ही हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस की आईटी सेल सदस्य शिल्पी सिंह ने भी यही तस्वीर शेयर करते हुए यही दावा किया। ये सच नहीं है, ये दोनों लोग अलग अलग लोग हैं। एक वरिष्ठ सैन्य अधिकारी ने हमें व्हाट्सएप पर जानकारी दी कि ये तस्वीर कैप्टन पीपीएस ढिल्लों, जो कि रिटायर हो चुके हैं, उनके बेटे ने फेसबुक पर अपलोड की थी। उन्होंने बताया कि ये कैप्टन प्रितपाल सिंह ढिल्लों हैं, जो कि 1993 में 17 सिख बटालियन से रिटायर हुए थे। 29 नवंबर को प्रितपाल जी का जन्मदिन होता है और ये उसी मौके की तस्वीर है। इस मामले में चोट लगे जिस शख्स की तस्वीर शेयर की जा रही है वो एक किसान है, जो कि इस किसान आंदोलन में शामिल हुआ था। तो ये थे इस हफ्ते के बड़े फैक्ट चेक्स। ऐसा नहीं है कि हमने बस इतनी ही गलत खबरों की जानकारियां उपलब्ध करवाई हैं। इससे पहले भी एक वीडियो के जरिए किसानों के प्रदर्शन से जुड़े फैक्ट चेक्स हम कर चुके हैं। इनको एक साथ एक जगह पर आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं, और आप ऐसा कर रहे हैं तो साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को और लोगों के साथ शेयर भी करें। लोगों तक पहुंचने में ये हमारी मदद करेगा और साथ ही मिस इन्फॉर्मेशन के खिलाफ इस लड़ाई में हम और मजबूत हो सकेंगे। मेरा नाम है केतन और ऑल्ट न्यूज में अपना भरोसा यूं ही दिखाते रहें। आपका ये भरोसा ही हमारी असली ताकत है। शुक्रिया।